हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज ही इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कुछ और वाइवा क्वेश्चंस। कल के वीडियो में मैंने आपको टाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ वाइवा क्वेश्चन समझाए थे, उसके आगे वाला जो पोर्शन जो है वो भी मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। सो स्टूडेंट, जनरली वाइवा क्वेश्चन जो हमें पूछे जाते हैं तो मैं क्वेश्चन ना लिखते हुए तो आपको समझाते चलती हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अभी सबसे पहले देखो, हमें क्या पता होना चाहिए? मोलार मास ऑफ केमेनोफोर पता होना चाहिए। मोलार मास ऑफ केमेनोफोर होता है 158 U। और सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ मोलार मास ऑफ केमेनोफोर, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। मोलार मास ऑफ केमेनोफोर जो मोलार मास ऑफ मोहर सॉल्ट जो है, कल की क्लास में हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था। तो मोलार मास ऑफ मोहर सॉल्ट जो होता है वो होता है 392 U। ठीक है, अब ये क्या है, हमें कुछ फॉर्मूलाज में यूज होने वाले हैं, वहां पर हमें मोलार मास की जरूरत पड़ सकती है, राइट। अब देखो, अब हम देखेंगे कि इस ये जो टाइट्रेशन जो हमने किया है, इस टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं। तो हम इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो है हम कोई भी एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। ये भी आपको एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच इंडिकेटर यू आर यूजिंग, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर नो एक्सटर्नल इंडिकेटर इज यूज्ड। हम यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर जो है वो यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नो एक्सटर्नल इंडिकेटर इज यूज्ड। अगर हम कोई भी एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज नहीं करते तो फिर हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो हम कहेंगे कि जो KMnO4 जो होता है, KMnO4 एक्टिंग एज अ सेल्फ इंडिकेटर, ये क्या होता है, एज अ सेल्फ इंडिकेटर यूज होता है। अब ये सेल्फ इंडिकेटर क्यों यूज होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से समझिए इस चीज को। सेल्फ इंडिकेटर क्यों होता है, क्योंकि जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो और जब एंड पॉइंट आता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा लाइट पिंक कलर जो आता है, हमारे पास में लाइट पिंक कलर आता है, तो ये लाइट पिंक कलर जो आता है, दैट लाइट पिंक कलर अपीयर्स एट द एंड पॉइंट, ठीक है, एट द एंड पॉइंट, है ना, एंड पॉइंट पे हमें लाइट पिंक कलर अपीयर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि लास्ट ड्रॉप ऑफ केमेनोफोर हम उसमें ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, लास्ट ड्रॉप ऑफ केमेनोफोर हम उसमें ऐड करते हैं और वही उसको क्या करता है, कलर देता है पिंक, और इसीलिए हमें पता चल जाता है कि वहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अब देखो, यहाँ पर बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन और बहुत मैं कहूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटर्नल को जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो डेफिनेटली आप मान के चलिए एक्सटर्नल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और साथ में ही ये क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल बेसिस पे भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो क्या क्वेश्चन है वो ध्यान से समझिए इस चीज को। हमें पता है कि केमेनोफोर का जो कलर होता है, हम इसको पर्पल कलर भी कहते हैं या फिर हम इसको डार्क पिंक भी कहते हैं। तो आपसे एक्सटर्नल यही सबसे पहले पूछेंगे कि ये जो एक केमेनोफोर का कलर जो है, ये पिंक कलर या फिर पर्पल कलर वर्ड भी यूज किया जा सकता है, कि ये पिंक कलर जो है केमेनोफोर का, ये किस वजह से, तो हम कहेंगे पिंक कलर इज ड्यू टू। अब ये देखो, ये पिंक कलर ये क्यों क्यों होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। पिंक कलर ऑफ केमेनोफोर इज ड्यू टू, क्यों होता है, देखो इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझो। अब देखो, अब क्या है हमारे पास में, KMnO4 है। अब चलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn जब हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, देखो K की कितनी है, +1, Mn की कितनी हो गई, X हो गई, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 × 4 हो जाएगा ये, ठीक है, = 0। मतलब यहाँ पर X की वैल्यू कितनी आ रही है, +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn जो है वो आ गई है +7। अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो इसका कॉन्फिग्रेशन कैसे होगा, Ar यहाँ पर हो जाएगा और फिर ये होगा 4s2 3d5, क्या हो जाएगा, 4s2 3d5। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ Mn कितना है, 25, एटॉमिक नंबर उसका 25 होता है। इस तरीके से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ये Mn की सिचुएशन में हुआ, बट अगर हमारे पास में Mn +7 है तो यहाँ पर देखो Ar हो जाएगा और साथ में ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 7 जो है तो यहाँ पर ये पूरा
निकल जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है देखो, समझो यहाँ पर ध्यान से समझो, मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ ताकि आपको इसको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ये कलर क्यों है देखो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम ये कहेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर इन, इज देयर इन Mn प्लस सेवन स्टेट, जो प्लस सेवन स्टेट होती है वहां पर Mn कलर का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर अगर देन अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इट्स डार्क पर्पल या फिर पिंक कलर यहाँ पर अपीयर कैसे होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर ये है कि ये कलर जो मिलता है हमें, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से नहीं मिलता है, तो किससे मिलता है, हम कहेंगे द कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। बेटा जब आप एक्सटर्नल को ये आंसर देते हैं तो एक्सटर्नल वाकई में खुश होते हैं और ये समझा जाता है कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब देखो चार्ज ट्रांसफर किस कहां से कहां तक हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, है ना, चार्ज ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। अब देखो ये हमारे पास में Mn है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच्ड है और एक ये जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब इसके पास में क्या है, Mn के पास में क्या है, देखो ये जो Mn जो है, इस Mn के पास में आपको दिखेगा वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास में क्या दिखता है हमें, वेकेंट डी ऑर्बिटल दिखता है हमें, वेकेंट डी ऑर्बिटल दिखता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। जब वेकेंट डी ऑर्बिटल है इट मींस ये चार्ज जो है ये इसके ऊपर शिफ्ट होगा और यहां से यहां पर आता है, मतलब ये मूवमेंट होता है और जिसकी वजह से वहां पर क्या आता है, कलर आता है, केमिनोफोर को कलर आ जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका केमिनोफोर टाइट्रेशन में, स्पेसिफिकली आपको बताना, केमिनोफोर से रिलेटेड कलर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है बेटा और साथ में ही एक्सटर्नल भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो पिंक कलर जो है ये केमिनोफोर का ये क्यों है। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, अब मैं समझाती हूँ आपको इसके आगे वाला टॉपिक। ठीक है, जब आप ये टाइट्रेशन करते हैं, है ना, जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो आपने टाइट्रेशन में देखा है कि हम क्या करते हैं, जैसे आपने व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं हम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं ना, मैंने अपने इसमें समझाया है, उसमें अच्छे से मैंने बताया है कि जब हम करते हैं तब किस तरीके से हम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि while preparing standard solution, जब आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन रहा है, वाइल प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, why H2SO4 is being added, H2SO4 को ऐड क्यों किया जाता है। तो हम क्या देखेंगे कि H2SO4 को हम ऐड क्यों कर रहे हैं, देखो H2SO4 को हम इसीलिए ऐड करते हैं, हम कहेंगे to prevent hydrolysis of Fe2 positive ions, अदरवाइज अगर ये हाइड्रोलिसिस हो गया तो रिएक्शन करने से पहले Fe2 पॉजिटिव आयन्स कन्वर्ट हो जाएंगे Fe3 प्लस में और इन आयन्स का कलर होता है लाइट ग्रीन। हमेशा याद रखो जो ये आयन्स होते हैं इनका कलर होता है लाइट ग्रीन और ये आयन्स जो होते हैं इनका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कौन सा कलर होता है इनका, रेडिश ब्राउन कलर होता है। इन आयन्स का नाम होता है फेरस आयन्स, इस आयन्स का नाम क्या होता है, फेरस आयन। और ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये फेरिक आयन्स होते हैं। तो हम जो टाइट्रेशन जो कर रहे हैं तो टाइट्रेशन में अगर पहले ही फेरस आयन्स में कन्वर्ट हो गए हैं तो फिर हमारा टाइट्रेशन तो कुछ प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाएगा।
है ना, हम वो रिएक्शन प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, उसमें H2SO4 ऐड करते हैं। एक और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन इसमें बनता है जो हमें पता होना चाहिए, जब हम रीडिंग्स लेना स्टार्ट करते हैं तो रीडिंग्स स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, वी आर एडिंग वन फुल टेस्ट ट्यूब ऑफ वाइल डूइंग टाइट्रेशन, वाइल टाइट्रेटिंग, हम वे वर्ड यूज कर सकते हैं, वाइल टाइट्रेटिंग वाई वी आर एडिंग वन फुल टेस्ट ट्यूब ऑफ 4NH2SO4। देखो अब भी हमने देखा था कि हम पहले भी डालते हैं, अब ये दोबारा डाल रहे हैं, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप दोबारा क्यों ऐड कर रहे हो, है ना, आप दोबारा इसको क्यों ऐड कर रहे हो। तो इसका आंसर भी हम बता सकते हैं कि हम दोबारा क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज वाई वी आर एडिंग दैट वन, बिकॉज टू प्रोवाइड, और हम बिकॉज दिस H2SO4 provides acidic medium, H2SO4 provides acidic medium, H2SO4 जो है वो acidic medium provide करता है। अब acidic medium provide करने से क्या होगा कि केमेनोफोर जो है, केमेनोफोर ये acidic medium में, केमेनोफोर क्या करता है, केमेनोफोर acidic medium में 5 nascent oxygen देता है, कितने देता है, 5 nascent oxygen देता है, और जब ये 5 nascent oxygen देता है तो यही 5 nascent oxygen हमें redox titration को complete करने के लिए helpful रहता है ना, complete करने के लिए हमारे लिए helpful रहता है, because अगर हम redox titration कर रहे हैं तो उसमें हमें oxygen की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं या फिर हम न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो ये न्यूट्रल मीडियम में भी उतने नेसेंट ऑक्सीजन नहीं दे सकता। जैसे कि अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं तो एसिडिक मीडियम में 5 देता है, उसके बाद में अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं, ये बात सब केमेनोफोर की ही हो रही है, तो बेसिक मीडियम में ये सिर्फ 1 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, क्या करता है, सिर्फ 1 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और यही अगर न्यूट्रल मीडियम अगर हो तो न्यूट्रल मीडियम में 3 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। और हमारे लिए क्या हमेशा से बेटर रहता है कि एसिडिक मीडियम हो, ज्यादा नेसेंट ऑक्सीजन मिले और उस टाइट्रेशन को प्रॉपर रिजल्ट हमें मिल सके। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हम जो इन बिटवीन ऐड करते हैं H2SO4, ये H2SO4 उसको क्या प्रोवाइड करता है, ये H2SO4 उसको एसिडिक मीडियम जो है वो प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स इसके साथ में ही आप क्या करेंगे, इसके साथ में ही आप जितने भी क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा, और जो भी कुछ डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगी। होप सो कि आज का वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।